दोस्तों बारिश का सीजन हो और गर्मा गर्म पकौड़े ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविता की रेसिपीज। भुट्टे के पकौड़े बनाने के लिए मैंने दो फ्रेश भुट्टे लिए हैं, भुट्टे ज़्यादा दिन के ना हों। और किस तरह के भुट्टे का चुनाव करें जिससे आपके पकौड़े सॉफ्ट और अच्छे बने, तो इस तरह से आप नाखून से इसे प्रेस करके देखिएगा, उसमें से अगर दूध निकलेगा तो वो भुट्टे अच्छे हैं पकौड़े के लिए। तो इसके छिलके निकाल कर इसे पिलर की हेल्प से निकालेंगे। दाने को आप चाहे तो इसी तरह से हाथों से भी निकाल सकते हैं, लेकिन पिलर से बड़ी आसानी से और जल्दी निकल जाती है। और देखिए कितनी आसानी से और कितने अच्छे से इसके सारे दाने निकल गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम दोनों मकई के दाने को निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी बारीक कटी हुई प्याज, दो हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे और आधी कटोरी धनिया के पत्ते, एक कटोरी से थोड़ा सा कम बेसन डालेंगे और आधी कटोरी चावल का आटा। साथ में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। इसे पकौड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मसलते हुए मिलाएंगे, ताकि हमने जो प्याज डाला है और कॉर्न डाला है तो इसी से काफ़ी हद तक इसमें मॉइस्चर आ जाएगा और इसे हमें पानी का अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका थिक बैटर रेडी करेंगे जैसे पकौड़ियों की होती है। हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये तेल में जाकर बिखर जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लिया है। तो चलिए इसके पकौड़ियाँ बना लेते हैं। पकौड़े फ्राई करने के लिए गैस पर तेल मैंने पहले से ही चढ़ा के रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और उसमें हम पकौड़े डालेंगे। इस टाइम पर गैस का फ्लेम हाई करेंगे और जब इसे डाल देंगे तब उसे लो कर देंगे, ताकि धीमी आंच पर पकौड़े अच्छे से सिक जाए। और पकौड़े डालने के बाद जब वो एक तरफ से सिक जाए तो उसे दूसरी तरफ से पलट कर सेक लेंगे और इसी तरह से उलटते पुलटते हुए उसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेकेंगे। और जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब उसे निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी सभी पकौड़ियों को भी फ्राई कर लेंगे। दोस्तों रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो देखिए सभी पकौड़ियों को अच्छे से फ्राई कर लिया हमने और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च भी फ्राई कर लेते हैं, पकौड़ियों के साथ अच्छी लगती है। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म कॉर्न के पकौड़े। पकौड़े तो आपने कई तरह के खाए होंगे, एक बार इसे भी ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। देखिए अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरी है, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।